जैसे कि हमको अभी मालूम चला कि आपको छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं, तो क्या आपको महिलाएं भी चिढ़ाती हैं कि बस बच्चे चिढ़ाते हैं? अब वो दवाई बताइए आप कौन की करी हो। नहीं, आजकल जैसे युवा हैं तो हर गांव में ऐसे एक बुजुर्ग तो मिल ही जाते हैं। उसे तो प्रवचन में हमने बोला। देखिए इसी तरह बाबा करते हैं, बाबा डंडा लेके खेल लेते हैं। दोस्तों मैं बस यहीं से जा रहा था तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिखाई दिए जो कि हमारे बाबा और चाचा के समान है। तो हमारे बाबा को कुछ लड़के यहाँ पे चिढ़ा रहे थे, जैसे कि कुछ अलग अलग शब्द का प्रयोग करके, जैसे उई उई ऐसे कुछ करके बाबा को लोग चिढ़ा रहे थे और हमारे बाबा काफ़ी भड़क गए। तो इसका क्या मतलब है कि बाबा को बच्चे क्यों चिढ़ा रहे थे और बाबा उन बच्चों को क्यों डांट रहे थे? वैसे देखने में तो काफ़ी हम लोग को हंसी आ रही थी, लेकिन इसके पीछे इसमें बाबा का क्या मन है, ऐसा क्यों होता है, बाबा हमको बताएं क्या राज है इसमें? हाँ, क्या राज है बाबा? वो लाड को हमको समझाइए, क्या कहें क्या नहीं कहें, हमसे कोई चीज़ कहा जाता नहीं है। ऐसा आपके साथ लोग क्यों करते हैं, ऐसा बच्चे को आपसे बोलते हैं तो आप क्यों उसको लगते हैं डांटने? हाँ तो सहुदार लोग माना, सहुदार इतना लोग माना सीमा के बाहर बांध लो। अब वो दवाई बताइए आप कौन की करी हो? नहीं, आजकल के जैसे युवा हैं तो हर गांव में ऐसे एक बुजुर्ग तो मिल ही जाते हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंदीदा होते हैं, जैसे कि बाबा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं बच्चों से। हाँ, तो जैसे आप बच्चों को पकड़ के समझा भी सकते हैं प्रेम से, अब बच्चे सिर्फ आप ही को क्यों चिढ़ाते हैं, आप उनको क्यों डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं? उनका स्वभाव है, उनका जो स्वभाव है वो प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सीख देना चाहेंगे जो ऐसे बच्चे होते हैं? जो मानेंगे तो उनको सीखे, नहीं मानेंगे कुछ नहीं। तो मान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से बच्चे आपका वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो ऐसा काम ना करें? ऐसा नहीं बच्चा, भूलना चाहिए, विचार रखना चाहिए, फोटो बनो का आदत आना चाहिए। हम कहते लोग पूछे तो प्रवचन में हमने बोला। देखिए इसी तरह लोग बाबा करते हैं, बाबा डंडा लेके खेल लेते हैं मारने के लिए। बाबा तने सा चुड़का आदमी हम। तनी सा बाबा चुड़का आदमी है, तनी हंसने वसने। नहीं देखिए अब बाबा हाइपर हो रहे हैं, तनी हंसने वसने के लिए तनी सा हम लोग वो हुई कर देते हैं, उसी में कुड़ुक जाते हैं। तो ऐसा बाबा के साथ होता है, तो आपके ख्याल ऐसा बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? नहीं करना चाहिए भाई, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा बड़े बुजुर्ग हैं, घर का सम्मान करना चाहिए। हाँ, लेकिन लड़के हैं, स्वभाव है, लड़के का भी स्वभाव है, बताते हैं तभी ना लोग बच्चे बोलते हैं, चिढ़ेंगे नहीं तो कोई बोलेगा नहीं। सही बात, लेकिन जब ही वो करते हैं लोग इनका पारा हाई हो जाता है, बाबा खेल लेते हैं, डंडा खेल लेते हैं, डंडा लेकर बोले तो वो लोग कहे हमें भाई भगवान जाने, हमें नहीं कहे तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कहाँ जाएगा, गांव घर में है तो उसी वजह से अपना थोड़ा, मान लीजिए लड़कों का स्वभाव है जंग में है तो वो थोड़ा वो चीज नहीं ना चौंपेगा उतना गहराई तक कि हम घर के गार्जियन को मतलब बातू करें, थोड़ा वो लड़का का दूसरा मन है। धीरे धीरे आदमी जब ढलते हैं उम्र के अनुसार से तो उनको अपने आप ज्ञान मिलने लगता है। इसी बारे में बच्चे थोड़ा हंस भी लेते हैं, जैसे कि बोल रहे थे कि उम्र दराज है, कह रहे हैं कि भीड़ वासा ढलेगा, कब ढलेगा? देखिए आपको भी समझना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चिढ़ाते हैं, इसी बहाने उनको हंसी हंसने का एक मौका मिल जाता है। तो आपको भी ठीक है, चिढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब उनको रिएक्शन नहीं करेंगे, वो चिढ़ा रहे हैं, आप अपने रास्ते चले जाइए, उनको उनसे कुछ मत बोलिए, वो चिढ़ाना बंद कर देंगे। क्या आप गूंगे बहरे हैं क्या? जी बाबा गूंगे बहरे तो है नहीं, तो हम उनको सिखाए कि भाई सब सब सीखो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, घर का उन्नत करो, गांव का उन्नत करो, ये सब बातें ना होना चाहिए। तो ये सब अपू क्या अपू बोल रहा है? देहाती भाषा में बोलते हैं लोग कि 100 बता के एक चुप हरा दे, तो इसीलिए मान लीजिए बाबा जब बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धि से उन बच्चों को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं कि बुद्धि यदि आप दीजिएगा तो मतलब थोड़ा वो बच्चों को ज्ञान तो मिलेगा। तो और आप कोच रहे हैं उस बात पर, तो कोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सा कोई रोड़ी फेंक दे रहा है, कोई ढेला फेंक दे रहा है, तो बाबा हाँ गोबर भी फेंक दे लो, कोई उई उई उतना वो बाबा और कुड़ जाते हैं। तो बच्चा यदि मान लीजिए 10 बात बोले तो शास्त्र में एक लिखा गया है आपके चौपाई कि जो क्या चौपाई का वो चौक, देखिए शास्त्र शास्त्र में लिखा गया है कि देखिए वो चौपाई 8 अवगुण सलाह उड़ रही। तो मान लीजिए बाबा ये बात बोलते हैं चौपाई से समझाते और शास्त्र से समझाते तो वो बच्चा समझ जाता, तो ये खेदते हैं, खेदते हैं तो बच्चा वो क्या समझेगा जबकि खुद बोलता है गलती सही। जैसे बोल दिए चौपाई अधर अधर चौपाई इनको बोलना चाहिए, नहीं तो बच्चा है उसको ज्ञान की कमी है। आप ऐसे जब उसको बुजुर्ग सिखाएंगे तभी वो सीखेगा, हमारे बच्चे आपसे सीख सके। जैसे आप लोग थोड़े बड़े हैं, हम लोग के आदरणीय हैं, तो बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें आजकल के बच्चे आपसे सीख सके। बच्चों को तो सिखाना चाहिए, सीखेंगे तभी ज्ञान होगा, और चहटने से उनको ज्ञान नहीं होगा। जब लड़के बोलते हैं बाबा को वो, तो बाबा को आराम से ठंडे दिमाग से उनको समझाना चाहिए कि हाँ बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए,
आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे लेकिन सबका सम्मान करो तभी तुम्हारा भी सम्मान होगा, है ना। ऐसा बात करना चाहिए बच्चों को, तो बाबा को भी चाहिए नहीं ठंडे दिमाग से थोड़ा बच्चों इधर सुनो, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी का सम्मान करोगे तो अच्छा होगा, कहीं भी समाज में जाओगे तो आप लोगों को मतलब बढ़िया रिस्पांस मिलेगा उसका। इस तरह से बुढ़े आदमी को चिढ़ाओगे तो शिष्टाचार है स्कूल में जो है, बुढ़ा होगा तुम भी बुढ़ा होगा तो तुम्हारा गति क्या होगी, हमारा मटोरी हम जानी। पहले का लोग देखिए एक चीज और मिला है शास्त्र से कि पहले का लोग जो मतलब पुराण होते थे तो वो राजपाट बच्चों को देकर जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो देखिए इनका उम्र हुआ है, बाबा का उम्र हुआ है तपस्या करने के लिए, यहाँ बच्चों में वही करने के लिए, तो ये और बच्चों को ये गलती ना सिखा रहे हैं कि सही सिखा रहे हैं। इनका देखिये तपस्या चार बच्चा सुनेगा कि फलाने चौबे और फलाने सिंह और चाहे वगैरह वगैरह जितने लोग हैं समाज में पूजा के लिए तो सारे लोग हैं, उसमें तो कोई जाति आप का कोई उसमें भेदभाव नहीं है, पूजा कोई भी कर सकता है, भक्ति में उसको होना चाहिए। तो भला बताइए तो इनका तो मतलब पूजा कर रहे हैं कि समय आएगी तो बच्चा देखेगा कि नहीं वो पुराने आदमी को हम लोग चढ़ा रहे थे तो वो पूजा लगा करने, तो बच्चों को उस पर ज्ञान न मिलेगा कि और खेदेंगे तो वो और चढ़ाएगा उसको, तो गलत हम लाइन दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि देखिए सबसे ज्यादा गांव में पुराना आदमी है, देखिए इनका देख लीजिए, वाह भाई वाह उल्टा बोल रहे हैं, सबसे पुराने यही है। जैसे कि हमको अभी मालूम चला कि आपको छोटे बच्चे चढ़ाते हैं तो क्या आपको महिलाएं भी चढ़ाती है कि बस बच्चे चढ़ाते हैं? अब माफ करिए हम वही महिलाएं में नहीं जाते हैं, महाराज तो पढ़ने जाइएगा, नहीं आती है क्यों आपसे, डरती है लिहाजा में रहती है जितना भी बुजुर्ग भी माहिर है, महिलाएं भी इनको चढ़ाते हैं, देखिए झूठ बोल रहे हैं समाज के लिए, महिलाएं भी इनको चढ़ा देते हैं, पूर्व जाते हैं, रही में पहुंच गए बताई की महिलाएं का मन बोलवा नहीं करिए भाग, ऐसा क्यों बात है, वो जो बात है सत्य है, महिलाएं का हम लोग नहीं बोलते क्यों, ऐसा क्यों, लिहाजा में रहती तो हमको रहना है लिहाजा में, अभी नहीं कि हम क्यों बैठे वहाँ पर, हाँ कोई अटपट बोले कोई शिकारी करें कोई मजाक करें, मजाक क्या करना है, हाँ इतना विमल शरीर में कितना प्रभु ने दिया है, मजाक क्या कहलाता है हमको आज तक समझे में नहीं आ रहा है, हो गया सारा बच्चा बच्चे इनको पैदा हुआ अभी तो मजाक का पता ही नहीं चला। इसी तरह सारे बच्चे टिढ़ा करके बाबा से बात करते हैं, बाबा का मजा लेते हैं, लेकिन बाबा उनको काफी फनी वे में रिप्लाई दे देते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग हमारे गांव में रहते हैं, लेकिन हमारी बस यही गुंजाइश से बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने से बड़ों के हमेशा आदर सम्मान करिए, मजाक उतना ही करिए जितना बाबा बर्दाश्त कर सके कोई भी हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।